हेमा मालिनी के बयान से हलचल। भरत तख्तानी से तलाक, अब राजनीति में होगी ईशा देओल की एंट्री। देओल परिवार का राजनीति से गहरा रिश्ता है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल तीनों राजनीति में कदम रख चुके हैं। अब हेमा मालिनी ने हिंट दिया है कि उनकी बेटी ईशा देओल जल्द राजनीति में कदम रख सकती हैं। उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं में से एक हेमा मालिनी, जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख चुकी हैं। हेमा मथुरा से बीजेपी की लोकसभा सदस्य हैं। इन दिनों अपनी बेटी ईशा देओल और भरत तख्तानी के टूटे रिश्ते के कारण हेमा भी सुर्खियों में है। ईशा और भरत तख्तानी के अलग होने के बाद ऐसे में फिर हेमा मालिनी ने एक बयान दिया जो लोगों को हैरान करने वाला था। हेमा ने एक राजनेता के रूप में अपने पति धर्मेंद्र के समर्थन के बारे में खुलकर बात की। दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा कि परिवार हर समय मेरे साथ है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी वजह से ही मैं यह करने में सक्षम हूँ। वे मुंबई में मेरे घर की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत आसानी से मथुरा आ रही हूँ। मैं आती हूँ और वापस चली जाती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे धर्म जी बहुत खुश हैं, इसलिए वह मेरा समर्थन करते हैं और वह मथुरा भी आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईशा देओल आने वाले सालों में राजनीति में कदम रख सकती हैं क्योंकि वह इसमें रुचि रखती हैं। हेमा का यह बयान ऐसे समय पर आया है कि जब पति भरत तख्तानी से अलग होने की घोषणा कर चुकी हैं ईशा देओल। ईयर 2012 में दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी के 11 साल बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि हेमा बेटी के फैसले के साथ हैं, वहीं पिता धर्मेंद्र चाहते हैं कि बेटी इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचे।